क्या चाहिए, क्या क्यों चाहिए न्याय, क्या हुआ? बच्चा लोग ने परिवार नहीं जोए, इन लोग घर बार बटुक करो बटुक जोए, ये मानुष कमर ना रहता, ये तो चाहे लोग यो गोहा डोए आज से तो काले नथी, आज ही पहले लोए भाई आप एक मिनट आपका नाम? आपका नाम? आपका पटेल है क्या? सुबह से आए हुए यहाँ पे, सब इतने लोग परेशान हो गए, संगीता पटेल को सब लगा लगा के आए हुए, ऐसा ना लेडीज
लेडीज को नहीं समझ पाएगी, जिस टाइम मतदान मांगने के लिए कुछ भी करने के लिए सबके पास हाथ जोड़ जोड़ के सबको निवेदन करती है, तो आज क्यों नहीं आई? एक लेडीज का सवाल था, उसके बच्चे का सवाल था, उसने सब लेडीज के सामने खड़े होकर कुछ ना कुछ तो मांग की पेट्रोलिंग के लिए क्या कहो? पूरी करनी चाहिए। पुलिस की पेट्रोलिंग के लिए क्या कहो? पुलिस की पेट्रोलिंग में क्या कहो? पुलिस ने भी वही किया जो हमने बोला, पुलिस सब आके बोलते हैं कि हमको तो कुछ पता नहीं क्या हुआ है, क्यों आए हैं सब लोग, सब लोग सबको पता चल गया है। पुलिस की पेट्रोलिंग होती नहीं है, सब होती है, सब आके चले गए, किसी ने कुछ नया कुछ बोले नहीं, सब यही बोलते हैं क्या हुआ है, क्या हुआ है। मेरी मांग यही है, आज के बाद ऐसा बिंदास कोई भी आदमी काम पर जाए तो घर से निकलने में डरे, ऐसे सब लोग मुख्य लोग को सबको अटक करना चाहिए, जो भी ऐसा मिले उसको रोड में सजा मिलनी चाहिए। ये अंदर लेके जाते हैं और दो दिन में छोड़ देते हैं, उसमें कोई मतलब नहीं है। जैसे छोटे छोटे बच्चे के माँ बाप बाहर निकलने से भी डर जाएंगे तो पेट कैसे भरेंगे? वो जो आदमी मरा है वो भी काम पर जाने वाला था, तो उसका अचानक से ऐसा हो गया तो उसके बच्चे क्या करेंगे? अभी उसके बच्चे को किसका सहारा मिलेगा? कौन किसने मारा था उनको कुछ पता? अभी वो मारने वाले तो हमने देखा नहीं है, हम आजू बाजू में रहते हैं, इतना हमको पता है कि जिसको जो भी मरा है वो तो अच्छा भी था, देवारी का भी था, अभी उसके बच्चे का न्याय कौन करे? घर दोपहर को लिंबायत एरिया में इंडिया न्यूज दिव्यांग एक 24-25 साल दिव्यांग मर्डर हुआ है, दिख नहीं रहा, दिव्यांग नहीं दिख रहा। तीन आरोपी से तीन दिव्यांग पकड़ लिया है, एक 20 साल का है और बाकी 17 और 16 दिव्यांग लोग मेरे संबंधित है। आज बाकी प्रोसीजर तपास इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, इनका डेड बॉडी अंतिम संस्कार के लिए जाती है, तो इनका ये डिमांड था पूरी सजा मिलना चाहिए और बाकी के बारे बच्चियाँ जो सरकार की ओर से वो मिलने चाहिए, डिमांड थी। हमने उनको समझाया उसकी इन्वेस्टिगेशन बहुत अच्छी तरह से होगी, टीवी नीचे एविडेंस इस स्पॉट पे है, टेक्निकल एविडेंस बाकी सब कुछ लेके उनके आरोपियों के जो एक्यूज के पुराना हिस्ट्री भी कोर्ट में समक्ष रजू करेंगे, उसमें आरोपियों के कोर्ट के न्याय की कोर्ट में हम रजू करेंगे और कोई भी एविडेंस हम वीक नहीं रखेंगे और पूरी उनको सजा मिले ऐसी हमारी परिवहन से मांग रही है। संतुष्ट हुए हैं अभी और बाकी इनका जो कंपनसेशन स्कीम के तहत उनको जो मिलता है सरकार की ओर से जो मिलता है उसका हम प्रोसीजर करवा रहे हैं। परिवार में क्यों 4,00,000 रुपए पुलिस आपके विश्वास अपाय 4,00,000 रुपए सेना क्या दिखी? विक्टिम कंपेंसेशन की जो स्कीम है सरकार ने जो भी मतलब ऐसे कोई ओ भाई तुम्हारे पास कभी किसी की लॉस ऑफ किसी की तो वो स्कीम है गवर्नमेंट की है विक्टिम कंपेंसेशन अपने में आ रहा है जो है मुझे बाहर निकाली वो एप्लीकेशन करेगा तो मिलता है, हर केस में मिलता है, मारामारी कहीं झगड़ा हो गया हर एक जो एक्ट है उसमें कौन सी धारा लगी उसके हिसाब से मिलता है कि मैं उसके साथ